ट्रू विजडम इज बॉर्न विद वाइट हेयर्स, ये एक पुरानी कहावत है जिसका ये मतलब होता है जब आपके बाल सफेद हो जाते हैं ना तो आपके पास बहुत नॉलेज होती है और लाइफ का इतना एक्सपीरियंस होता है कि आप बहुत कुछ बढ़िया ढंग से कर सकते हो। बट मेरा एक सवाल है, क्या ये आजकल के 20 साल के बच्चों पे भी वैलिड है? ये जो कहावत बनाई गई थी ना, ये बनाई गई थी सतयुग में, जब हवा अच्छी होती थी, पानी अच्छे होते थे, लोग अच्छे होते थे और लोगों को ये भी नहीं पता था स्ट्रेस आखिर होता क्या है। बट अगर हम बात करें आज की, इतने सारे टारगेट्स हैं, प्रेशर हैं, लेट नाइट शिफ्ट्स हैं, गंदी डाइट है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें मिलके आपके वाइट हेयर्स को ना बिल्कुल ही बूस्ट कर देती है, साथ में और हवा पानी भी इतना ज़्यादा ख़राब है, तो फिर क्या करा जाए? क्या हेयर कलर लगा लें? अब देखो, ये तो आपको एडमिट करना ही पड़ेगा, जब आपके वाइट बाल स्टार्ट हो जाते हैं आपका कॉन्फिडेंस अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा ना तो आप, सही बता रहा हूँ, एक्सेल नहीं कर पाओगे लाइफ की किसी भी चीज़ में। ये सीधा सीधा रिलेशन है, आपका कॉन्फिडेंस और सक्सेस साथ साथ ही चलता है। अब देखो, आपने डिसीजन तो ले लिया कि मेरे को हेयर कलर लगाना है, बट क्या हेयर कलर से सोल्यूशन मिल जाएगा? हाँ, मिल तो जाएगा, बट कुछ टाइम के लिए मिलेगा। आपने आज हेयर कलर लगाया केमिकल वाला, एक महीना तो रहेगा बहुत ही बढ़िया, बट जैसे वो कलर निकलना शुरू होगा आपके वाइट हेयर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। फिर पता है क्या स्टोरी शुरू होगी? आपके वाइट बाल तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, साथ में जो खर्चा है वो भी बहुत बढ़ जाएगा और सही बताऊँ बाल उड़ना भी स्टार्ट हो जाएंगे। हेयर फॉल का बहुत बड़ा रीज़न होता है हेयर कलर, उसके अंदर इतना केमिकल होता है। मैंने कई बार आपको अपनी वीडियो में भी बताया, आप केमिकल वाले प्रोडक्ट से दूर भागते हो, बट एक बार को समझो, आप जब हेयर कलर लगाते हो ना, वो केमिकल आपके बालों में ही बसा रहता है जब तक वो आपका प्रॉपरली हट नहीं जाता, और जब उसके हटने का वक्त आता है आप दोबारा से हेयर कलर लगा लेते हो। तो देखो, मैं तो कहूँगा आपको हेयर कलर बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए, बट वाइट हेयर के साथ भी नहीं घूमना हमारे। तो हम आपको बताएंगे एक नेचुरल इलाज, हम आपको बताएंगे कैसे आप हीना पाउडर को यूज़ कर सकते हो ब्लैक और लस्ट्रस हेयर्स के लिए। वैसे तो हीना आपको बरगंडी सा रेडिश कलर देता है जो बहुत लोग पसंद नहीं करते। अगर आपको पसंद है ना हीना वाला कलर, तो मैं तो देखो ऑनेस्टली कहूँगा आप सीधा हीना लगा लिया करो, बहुत ही बढ़िया रहती है, कंडीशन भी करती है, हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करती है। बट अगर आप उनमें से एक हो जिसको चाहिए ब्लैक और लस्ट्रस हेयर, तो आपने हमारा आज का टू स्टेप ट्रीटमेंट ट्राई करना ही करना है। पर उससे पहले एक सलाह आपको देना चाहूँगा, आपको ना दो पाउडर को मिलाकर एक घोल बनाकर रख लेना है। आपको चाहिए आंवला पाउडर और कड़ी पत्ता पाउडर, दोनों पाउडर को मिक्स करो और एक कंटेनर में मिक्स कर रख लो, और हर रोज सुबह जो आपने पहली चीज करनी है, इस मिक्सचर का आधा चम्मच लेना है और ल्यूकॉम वाटर साथ कंज्यूम करना है। जितना ये आपकी बॉडी में जाएगा ना, आपके वाइट हेयर को बढ़ने नहीं देगा, और हमारा पहला टारगेट ये है कि हमें वाइट हेयर को बढ़ाना नहीं है, साथ में आपकी आईसाइट के लिए भी बहुत बढ़िया है। अब आपने पहले तो ये स्टेप फॉलो करना है, इसके अलावा मैं आगे बढ़ता हूँ ट्रीटमेंट की तरफ। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं कैसे आप सफेद बालों को कर सकते हो काला नेचुरली। हमारे आज के टू स्टेप ट्रीटमेंट की शुरुआत होगी स्टेप नंबर वन के साथ। पहले मैं आपको समझाऊंगा आपने हीना को कैसे अप्लाई करना है, फिर आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर टू की तरफ। देखो, सबसे पहले तो आपको एक कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आपने डाल लेना है एक ग्लास पानी। उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स को हम मिलाएंगे। सबसे पहले आपने डालना है एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर। जो कॉफ़ी पाउडर होता है ना, वो एक नेचुरल डाई का काम करता है, आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने का काम करता है, साथ में आपकी स्कैल्प की हेल्थ को भी बहुत बढ़िया रखता है। सेकेंड, हमारे को उसमें डालना है एक चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना से ज़्यादा पॉपुलर हेयर ट्रीटमेंट इस वक्त कोई भी नहीं है। वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करता है आपकी हेयर फॉलिकल्स में, जिससे होता क्या, हेयर ग्रोथ एकदम ही बूस्ट हो जाती है, साथ में आपकी स्कैल्प को बिल्कुल ही क्लीन रखता है और स्कैल्प की हेल्थ बहुत अच्छी रखता है, जिससे डैंड्रफ वगैरह की दिक्कत बिल्कुल ही नहीं आती। और थर्ड इंग्रेडिएंट जो हमारे को ज़रूरत पड़ने वाली है, वो है आंवला पाउडर। अब मुझे लगता है आंवला पाउडर के बारे में तो मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही हेयर फॉल की बात आती है या वक्त से पहले वाइट बालों की बात आती है, आंवला पाउडर से बढ़िया कोई है ही नहीं। मैंने भी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आपने आंवला पाउडर कंज्यूम करना है, साथ में टॉपिकली भी अप्लाई करना है। यह भी आपके बालों को स्ट्रेंथन अप करेगा, हेयर ग्रोथ को एकदम से बूस्ट करेगा और डैंड्रफ वगैरह आपके बालों में नहीं होने देगा। अब आपने कढ़ाई में डाला एक ग्लास पानी, उसमें डाला आपने एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर, एक चम्मच मेथी दाना और साथ में डाला एक चम्मच आंवला पाउडर। इनको बढ़िया ढंग से मिक्स कर लो। आपने 3 से 4 मिनट के लिए इनको पकने देना है, बॉईल करना है अच्छे से। जैसे वो बॉईल हो जाए, आपने इसको बंद कर देना है और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ठंडा हो जाए, आपने इस पानी को छान के अलग कर लेना है। अब ये जो पानी है, ये बहुत ही कमाल का वाटर है, ये थिक होकर बहुत ब्लैक वाटर बन गया होगा। आपने इसमें ऐड करना है नेचुरल हीना पाउडर। आपने हीना की क्वांटिटी डालनी है अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, 6-8 चम्मच जितनी आपको ज़रूरत है आपने डाली और अच्छे से मिक्स कर एक पेस्ट बना लिया। अब इस पेस्ट को आपने ओवरनाइट छोड़ देना है। जब आप सुबह उठोगे, बहुत बढ़िया ढंग का ब्लैक कलर का हो गया होगा और थिक हो गया होगा। यही पैक आपने अप्लाई करना है मॉर्निंग में,
आपके हेयर प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए, चाहो तो पहले शैम्पू कर लो और अपने बालों को ड्राई कर लो, फिर आपने इसको सेक्शन बाय सेक्शन अच्छे से अप्लाई करना है। एक्स्ट्रा ध्यान रखना है कि एक एक रूट्स कवर हो, हर एक वाइट बाल आपका प्रॉपर्ली कवर हो। आप जब हीना का ये पैक अप्लाई करते हो ना, आपने इसको मिनिमम 2 से 3 घंटे के लिए लीव ऑन जरूर करना है और शार्क ऐप वेयर कर लेना ताकि इधर उधर ट्रांसफर ना हो। फिर आपने इसको वॉश करना है नॉर्मल वाटर से, शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना उस दिन आपने। साथ में आपके बालों को कंडीशन करेगा और हेयर फॉल पे भी बिल्कुल फुल स्टॉप लगा देगा। अगर आपको ये कलर ऑनेस्टली अच्छा लग रहा है ना, तो आपको स्टेप नंबर 2 पे जाने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, ये अकेले ही काफी है। बट अगर आप फिर भी चाहते हो कि मुझे तो नेचुरल ब्लैक और लस्ट्रस कलर चाहिए, फिर आपको जरूरत पड़ने वाली है स्टेप नंबर 2 की। अब स्टेप नंबर 1 के बाद बारी आती है स्टेप नंबर 2 की, जो आपने फॉलो करना है हीना एप्लीकेशन के नेक्स्ट डे। आपको जरूरत पड़ने वाली है इंडिगो पाउडर की, जो एक नेचुरल डाई होती है, नेचुरल कलरेंट होती है। इंडिगो एक प्लांट होता है, उसकी पत्तियों से इसको डिराइव करके एक पाउडर बनाया जाता है, जिसको सदियों से यूज किया जाता है अपने बालों को नेचुरली ब्लैक करने के लिए। बट इसको अप्लाई किया जाता है हीना के अगले दिन। मैं आपको समझाता हूं आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। आपने सबसे पहले लेना है इंडिगो पाउडर, आपकी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आपने डाला एक बोल में, फिर आपने ल्यूक वार्म वाटर ऊपर से धीरे धीरे डालना है और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। आपने 10 से 15 मिनट इस पेस्ट को लीव ऑन करना है ताकि जो डाई मॉलिक्यूल्स है ना वो प्रॉपरली एक्टिवेट हो जाए और कलर बड़ा ही सुंदर आए। अब आपने अगेन इसको सेक्शन बाय सेक्शन अपनी लेंथ पे प्रॉपरली अप्लाई कर लेना है। व्हाइट बाल आपके पूरे कवर होने चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। जहां जहां आपके रूट्स है ना, अच्छे से इसको अप्लाई करना है। आपने इसको लीव ऑन करना है 90 मिनट्स के लिए और आपने शैम्पू से नहीं, नॉर्मल पानी से अपने बालों को प्रॉपरली वॉश ऑफ कर देना है। आपके बालों को अमेजिंग ब्लैक और लस्ट्रस कलर मिलने वाला है और ये बिल्कुल ही नेचुरल है और केमिकल फ्री है। आपने अब नेक्स्ट डे अपने बालों को शैम्पू करना है और होना चाहिए वो माइल्ड शैम्पू, सल्फेट फ्री, जो आपके बालों को नुकसान भी ना दे और ना ही कलर को निकाल दे। आप जब ये फॉलो करोगे ना, आपके बाल हो जाएंगे नेचुरली ब्लैक और लस्ट्रस, शाइन करेंगे, कंडीशन भी हो जाएंगे और ये हेयर कलर लास्ट करेगा एटलीस्ट 1 महीने के लिए। आप शैम्पू दर शैम्पू आपका चलता रहेगा, 15 से 20 शैम्पू ये आराम से चलने वाला है मिनिमम। अब देखो थोड़ा सा पेन तो लेना ही पड़ेगा अगर आप केमिकल वाले कलर से बचना चाहते हो। 2-3 घंटे तो यार दिए जा सकते हैं, आपकी एक छुट्टी होते नेक्स्ट डे अपना थोड़ा पहले उठ गए और इसको 90 मिनट्स के लिए लगा लिया, देन वॉश ऑफ कर दिया और आपके व्हाइट हेयर्स बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे और साथ में हेयर हेल्थ बढ़िया रहेगी। अब देखो सीधा सीधा उसूल है, बाल होंगे तभी तो उस पे कलर लगाओगे ना, तो अगर हेयर कलर लगाते रहोगे ना तो सही बता रहा हूँ, बाल नहीं बचने वाले। तो यही नेचुरल कलर फॉलो करो आज ही। अगर ये कॉम्बो पूरा आपने खरीदना है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। हम ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये हेयर कलर जरूर ट्राई करें, अपना रिव्यू जरूर शेयर करें। आपको मिलने वाले हैं ब्लैक और लस्ट्रस कलर पहले ही यूज में। आपने ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करनी है ताकि वो भी एक नेचुरल हेयर कलर ट्राई करें और जो कमर्शियल कलर्स है ना उनको बोलें टाटा बाय बाय। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।